हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम सबके मनपसंद समोसे बनाएंगे, पर समोसे एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे, तो मेरी वीडियो एंड तक देखते रहें। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 मीडियम साइज के बॉयल्ड आलू, 1 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया और करीब 2 टेबलस्पून हरे मटर। हम पैन में करीब 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, इसमें डालेंगे जीरा, जब जीरा थोड़ा ब्राउन हो जाए तो इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, और हरे मटर डालकर इनको भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, आधा टीस्पून डालेंगे अमचूर पाउडर और इसको चलाते हुए कुक करेंगे। अब इसमें बॉइल्ड आलू मिक्स करेंगे। जब आलू अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो इसमें डालेंगे हरा धनिया। देखिए हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। एक बोल में 2 टीस्पून मैदा लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और पानी डालकर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसको एक साइड पर रख देंगे। आज हम समोसे ब्रेड स्लाइस से बनाएंगे, तो इसके लिए हम लेंगे ब्रेड स्लाइस और इसके एजेस काट देंगे। अब एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसको बेलन से बेलकर पतला कर लेंगे। इसी तरह सारे स्लाइस बेलकर रख लेंगे। अब हम इन ब्रेड स्लाइस में आलू की फिलिंग करेंगे, तो इसके दो एजेस पे लगाएंगे मैदे का पेस्ट और इसको एक कोन की शेप में फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें आलू वाला मसाला भरेंगे। और इसके ऊपर भी मैदे की पेस्ट लगाकर इसको ऊपर से सील कर देंगे। इसी तरह सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इन समोसों को फ्राई करेंगे, तो इसके लिए हम ऑयल गरम करेंगे और इसमें एक एक करके समोसे डाल देंगे। जब समोसे एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे, तो इनको पलटकर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे।
देखिए समोसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। हमारे बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे समोसे बनकर तैयार हैं। आप इसको टमाटो केचप या हरी चटनी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे साथ देखते रहें।